नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के पुणे में लोनावला इलाके में भूसी डैम के पास बड़ा हादसा हो गया। डैम के पास बाढ़ फॉल में 5 लोग डूब गए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें एक महिला और 4 बच्चे शामिल है। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने 2 शव बरामद कर लिए हैं। वहीं खोज और बचाव अभियान जारी है। पुणे के SP पंकज देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वाटरफॉल में डूबे सभी 5 लोग पुणे सैयद नगर के रहने वाले हैं। ये सभी लोग एक ही परिवार से हैं। लोनावला में भूसी डैम के पास हादसा। बताया जा रहा है कि ये सभी लोनावला में मानसून की छुट्टियां मनाने गए थे। परिवार के 5 सदस्य भूसी बांध के पास एक पहाड़ी वाटरफॉल में बह गया। इसे रेलवे का झरना कहा जाता है। यह पानी भूसी बांध में प्रवेश करता है। लोनावला शहर पुलिस टीम और शिवदुर्ग बचाव दल की तलाश जारी है। शाहिना परवीन नाम की महिला 40 वर्ष और 13 साल की एक लड़की का शव मिल गया है, जबकि 3 बच्चे लापता हैं। लापता बच्चों की उम्र 4 से 6 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। पूरे देहात के पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख ने कहा कि यह घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हुई, जिसके बाद तलाश और बचाव दलों को मौके पर भेजा गया है। एक ही परिवार के 5 लोग डूबे। SP देशमुख ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि हमने 40 वर्षीय महिला और 13 वर्षीय लड़की के शव बरामद किए हैं। इसमें घटना में 6 वर्षीय 2 लड़कियां और 4 वर्षीय के एक लड़का लापता है। ऐसा लगता है कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं और भूसी बांध से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक झरने में फिसल गए हैं और जलाशय में डूब गए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।